नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और छे सेरमियाँ इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को फोर्टी पेज तक कवर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं दांत बंद करो मुझे खुजली हो रही है घर खुजली तो बहुत खतरनाक छूत की बीमारी है जी मैं चलता हूँ ओए गधे मैं बीमार नहीं हूँ छह सेों ने मुझ पर जुएँ छोड़ दी हैं हवालात में सड़ा डालूंगा उन्हें इसलिए बुलाया है तुम्हें इंस्पेक्टर खड़ग सिंह धरती पकड़ और मैं तो असफल हो चुके हैं अब बस तुम्हारा सहारा है छह सेों को काबू करके पुलिस डिपार्टमेंट की लाज बचा लो समझ लीजिए लाज बचा ली सर अब जरा अपनी बूथी इधर लाकर कान में, में मेरी एक योजना सुनिए सुनाओ खुसर फुसुर योजना सुनकर कमिश्नर साहब के दांत खुशी के कारण बाहर आते जा रहे थे और अंत में पूरी बतीसी बाहर आ गई वाह क्या योजना है शुक्रिया <laughs> जी उसी दिन शाम के अखबार में खबर छपवाई गई दस दल छः सैनियों के डर से राष्ट्रीय बैंक का सारा सोना विशेष ट्रेन द्वारा अज्ञात स्थान पर भेजा जाएगा यही समाचार रेडियो से भी प्रसारित किया गया सोना ले जाने वाली ट्रेन की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं हम उन सुरक्षा प्रबंधों का बंटाधार करके सारा सोना हथिया लेंगे इसके लिए हमें कोई धांसू आइडिया सोचना है छह सेठनियां सिर जोड़कर बैठ गई और उन्होंने एक योजना तैयार कर ली अगली सुबह विशेष ट्रेन स्पेशल से छूटने के लिए तैयार खड़ी थी ट्रेन में कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम भेस बदल कर सवार हो चुके थे ये हमें दूधिया बनाने का आइडिया किसका है हिला दूंगा मैं ये हवलदार जी का आइडिया है और उसके आइडिए कभी फेल नहीं होते मगर हवलदार बहादुर खुद कहाँ है सर अबे हाँ कहाँ है वो अभी तक पहुँचा क्यों नहीं वास्तव में हवलदार बहादुर अभी तक घर में सोए पड़े थे चंपाकली ने जब खाट उल्टी तो उनकी नींद खुली कब तक सोते रहोगे धाड़ ग तुझे हवालात में सड़ा दूंगा मैं बदतमीज की बोरी ना हो तो बकोमत नौ बज गए हैं ड्यूटी नहीं जाना क्या ड्यूटी पीटी उन्हें याद आया कि आज एक विशेष अभियान पर जाना था वो जिस हाल में थे उसी में लपक लिए बाहर खड़ी मोपेट स्टार्ट करके उन्होंने स्टेशन की ओर दाब ली थी कमिश्नर साहब तो स्टेशन पहुंच चुके होंगे जुम्म सवा नौ बजे ट्रेन को छोड़ना है और नौ दस हो रहे हैं पाँच मिनट में पहुंच जाऊँगा घड़ी देखने के चक्कर में उन्होंने सड़क पर से नजरें हटा ली थी ढाड़ ओए हवलदार का भाग्य अच्छा था कि वो मोपेट से टकरा कर ऑफ कर गए थे धाड़ ऊँ कार वाला उन्हें लपेटने के लिए बाहर निकला सिर पर अंडा फोड़ दूंगा साले अगर इसने पकड़ दिया तो गाड़ी छूट जाएगी फुटक लेता हूँ कार वाला वहीं खड़ा ऑल फॉल रह गया हवलदार अब पैदल ही स्टेशन की ओर अग्रसर थे अब ट्रेन मिलना मुश्किल है उनका विचार ठीक था हवलदार नहीं आया सर ट्रेन चलने वाली है वाली नहीं चल चुकी है ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था हवलदार बहादुर जब पहुंचे तब तक ट्रेन का अंतिम डिब्बा प्लेटफॉर्म से निकल चुका था ओह ट्रेन तो गई हुँ, हुँ, मैंने वो ट्रेन ना पकड़ी तो सारी योजना धड़ी रह जाएगी कुछ करना होगा मोर्खतापूर्ण निर्णय लेने में वो वो दक्ष थे इसलिए मालगाड़ी के इंजन में जा चढ़े आज ट्रेन के पीछे ट्रेन दौड़ा दूंगा मालगाड़ी के ड्राइवर स्टॉल पर चाय पी रहे थे ए जरा देखो तो ऐ अपने आप चल पड़ी ट्रेन का कंट्रोल हवलदार बहादुर के हाथ में था <laughs> ये जेम्स पॉन्ट का स्टाइल है दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ रही थी अगली ट्रेन का धुआं दिखाई दे रहा है यानी मैं सही जा रहा हूँ जेम्स मॉन्ट बनने के जोश में वो इंजन से बाहर निकल पड़े पीछे से जंप करके उस ट्रेन पर चढ़ जाऊंगा ट्रेन के बीच कुछ गज की दूरी रह गई तो <laughs> रहा हूँ मैं उधर छह से अपनी योजना अनुसार विशेष ट्रेन का ट्रैक बदलने के लिए लाइनमैन को रिश्वत दे चुकी थी <laughs> यही है वो ट्रेन जिसे रॉन्ग ट्रैक पर डालना है उपयुक्त समय पर उन्होंने कांटा खींच दिया विशेष ट्रेन का ट्रैक बदला ओए एक ही होया ट्रैक बदल गया है ट्रेन को रोकना होगा तो फिर एक और समस्या थी अब अब मर जाऊँ गड्डी रोकनी तो मुझे आते ही नहीं क्या करूँ आगे एक बिना फाटक की क्रॉसिंग थी ओले ओले चल मेरे घोले तभी धड़ाक गुर कौन था ये गधे का बच्चा मेरे दुम बाल बाल बची है गाड़ी वाला भी हैरान था ऐ मैं तो गाड़ी हाँक लिया था इंजन कहाँ से आ गया आगे उसी ट्रैक पर दो रेलवे कर्मचारी कार्यरत थे ट्रैक पर गिरी इस चट्टान को उड़ाने के लिए मैंने बारूद लगा दिया है ओए पीछे से ट्रेन आ रही है जल्दी से ब्लास्ट करके ट्रे, रेलवे ट्रैक क्लियर करो हवलदार बहादुर ने इंजन से झाका तो उनकी हवा संट हो गई बापरी टक्कर हो जाएगी तभी ब्लास्ट हो गया बुम ट्रैक बिल्कुल ठीक समय पर क्लियर हुआ था बच गई जान मगर डायनामाइट से भरी ट्रॉली तो अभी ट्रैक पर ही था एक ही होया एक और विस्फोट हुआ भड़ाम ट्रेन का बंटा धार हो चुका था लेकिन कहा जाता है कि जाको राखो साइया मार सके ना कोई इंजन कहाँ गया और पेड़ कहाँ से आ गया इधर छह ने भी विशेष ट्रेन को रोकने के लिए जाल बिछा रखा था होशियार ट्रेन आ गई है और उनके जाल में फंस गई और उल्टी हो गई धड़ाम घायल हुई पुलिस पार्टी डिब्बे से बाहर निकली तो उस पर छह से कहर बनकर टूट पड़ी ओए मेरी बंदूक कहाँ गई किसी को भी बंदूक उठाने का समय नहीं मिला आ चोरियों ने बहुतों के नाक काट डाली खचाक कईयों को जुल्फों को फांसी लगी जो जुओं वाली अपना कमाल दिखा रही थी <laughs> चलो मेरी जू कराटे वाली की तो घोड़ी भी कराटे खेल रही थी धाड़ खड़क सिंह और धरती पकड़ जान बचाकर कमिश्नर के निकट पहुंचे हवलदार ने हमें मरवा दिया सर हिला दूंगा मैं, ओए भाड़ में जाए हवलदार पहले इन शेरियों से तो बचो जब सरों को भागते देखकर सिपाही अब सरों को भागते देखकर सिपाहियों ने भी धुड़की लगा ली बचना है तो मेरे पीछे आइए भागो मगर छह छो के हाथ भी कुछ नहीं लगा था क्योंकि ट्रेन में सोना था ही नहीं धोखा इसकी सजा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भोगनी होगी क्रोध में छलांग लगाते हुए सैर्दियां अपने अड्डे की ओर लौट पड़ी उधर हवलदार बहादुर पेड़ पर के शोर मचा रहे थे ओए बचाओ मुझे नीचे उतारो सभी छह सैनिया वहाँ पहुँची थी अरे ये बंदा कौन लटका हुआ है ओ ये तो हवलदार बहादुर है यहाँ कैसे आ गया छह सैनिया हमें पकड़ने के लिए आया होगा यह लंगूर पकड़ कर ले चलो इसे ही पुलिस की धोखेबाजी का बदला इसी से लेंगे ओए खबरदार मुझे पकड़ा तो हवालात में सड़ा दूंगा छह सर्दियों के लिए अभी कोई हवालात नहीं बनी है लल्लू नीचे आ जा तू न, न, नहीं आऊँगा तेरा तो बाप भी आएगा टी हाय मेरा दिल अब सीधे वो आंख वाली लड़की के घोड़े पर जा गिरे थे <laughs> फंस गया चलो हवलदार को लेकर छह सर्दियाँ अड्डे की ओर चल पड़ी इधर कमिश्नर साहब कुछ दूर दौड़ने के बाद रुक गए रुको के हो या जी ओ ललुओ अगर आज हम छह सैरणियों को गिरफ्तार किए बिना वापस गए तो मंत्री जी हम सबको डिसमिस कर देंगे क्यों कर देंगे हिला दूंगा मैं सटअप मेरा विचार है सैनियों का अड्डा कहीं आस पास ही है अगर हम अचानक उनके अड्डे पर हमला करें तो उन्हें पकड़ सकते हैं गुड आइडिया सर उनका अड्डा ढूंढते हैं पुलिस पार्टी वापस मुड़ चली उधर हवलदार बहादुर सैनियों के अड्डे में बेहोश पड़े थे मेरा दिल चाहता है कि इस पर सारी जुएँ छोड़ दूँ अभी तो ये बेहोश है पहले इसे होश में आने दिया जाए होश आने पर सबसे पहले मैं इसके पिन चुभाऊंगी ठीक है फिलहाल इसे कोठरी में बंद कर दिया जाए हवलदार को कोठरी में डाल दिया गया जहां कुछ ही देर में उन्हें होश आ गया ओए सैरनियाँ मुझे कहाँ ले आई हवालात में सड़ा दूंगा सबको उफ यहाँ तो गर्मी लग रही है जैकेट उतारता हूँ उन्होंने जैकेट उतार फेंकी इधर पीने वाली सैरनी कोठरी की ओर बढ़ रही थी उसे होश आ चुका होगा पीने चुभो चुभ कर छन्नी कर डालूंगी हवलदार को कदमों की चाप सुनकर हवलदार बहादुर जल्दी से लेट गए ओह ये तो अभी तक बेहोश है कोठरी के अंदर पहुंचते ही पीनो वाले की नाक में आकृष्ट सेंट की खुशबू घुसी थी क्योंकि हवलदार बहादुर जैकेट उतार चुके थे सू सू ये कैसी महक है अगले ही पल वह हवलदार पर मोहित हो चुकी थी स्वामी कहाँ थे तुम वर्षों से मुझे तुम्हारे ही तो तलाश थी आए जाग गए राजा जी अब मुझे अपना बना लो हट तेरा दिमाग चल गया है दिमाग नहीं दिल मचल गया है बलमा जी मुझे अपनी दासी बना लो ओ इस पर तो आक्रिश्चन का प्रभाव हो गया है हाय मैं मर जाऊं, इमली खाकर, कितनी प्यारी हंसी है अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो बोलो मेरे लिए क्या कर सकती हो अपनी सारी पीने तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर सकती हूं और उसने हवलदार के सामने पीनों का ढेर लगा दिया सिर्फ पीने नहीं मुझे जुल्फों वाली की चोटी भी चाहिए अभी उखाड़ लाती हूँ स्वामी वो त्रीव गति से बाहर निकल आई <laughs> मज़ा आ गया पीपी -पी के इस आकृत सेंट ने तो कमाल कर दिया अब मैं सैरणियों को काबू कर लूँगा उधर कराटे वाली ने चूड़ी वाली को आदेश दिया जाकर देखो पीनों वाली उसके साथ क्या कर रही है चूड़ी वाली कोठरी में पहुंची और भीतर पहुंच पाँव रखते ही उसकी नाक में खुशबू घुसी तो उस पर तुरंत प्रेम का भूत चढ़ गया ओए मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं ये भी गई काम से चूड़ी वाली मस्त होकर नाच रही थी चूड़ी खनकेगी ओए बात सुन मेरी हाय सैया अब छोड़ोगे तो नहीं मेरा हाथ छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जुओ वाली पहले ही मेरा हाथ थाम चुकी है <laughs> मैं उसकी सारी जुएँ मार डालूँगी मेरे स्वामी पर उसने नज़र डाली है अजी सुनो तो मगर उसने उसकी बात नहीं सुनी <laughs> ये आपस में लड़ जाए यही अच्छा है उधर पीड़ों वाली वापस पहुँची <laughs> मुझे जुल्फ़ों वाले से एक ख़ास बात करनी है तुम तो हवलदार को पिन चुभोने गई थी मगर उसने मेरे दिल में पीन चुभो दी है और फिर पीनो वाली ने जुल्फ वाले की चोटी काट डाली हाय हाय मेरी चोटी पकड़ दो इसे फिर रुक जाओ चूड़ी वाली ये क्या है तुम्हारे हाथ में इसमें जुए मारने की दवाई है फिस मेरी जुएँ ये क्या हो रहा है तुम दोनों पागल हो गई हो क्या तभी हवलदार बहादुर कोठरी से बाहर आ गए ये दोनों मुझ पर मोहित हो गई हैं <laughs> तभी सेरमिया हवलदार बहादुर को देखती रह गई थी क्योंकि आ ने सबको उनका दीवाना कर दिया था मेरा दिल क्यों उछल रहा है मेरा दिल भी उछल रहा है हाय! ये क्या हो गया मेरा दिल भी उछल रहा है जी हाय मेरा दिल गया हट जाओ ये सिपाहिया सिर्फ़ मेरा रखवाला बनेगा नहीं मेरा बनेगा हवलदार के लिए उनमें खींचा होने लगी ये मेरा राजा है नहीं मेरा है ओए रुक जाओ वरना ये तो मुसीबत गले पड़ गई सब रुक गई थी <laughs> <laughs> रुक जाओ ये मैं उसे ही अपनी घर बनाऊंगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी वो तो मैं हूँ ये देखो कहकर धाड़ उई मार डालूँगी <laughs> बहुत मज़ा आ रहा है उधर पुलिस पार्टी भी अड्डे के निकट पहुँच चुकी थी ओए देखो ये गुफा का मुहाना है ये छह शेरणियों का अड्डा हो सकता है भीतर चलो भीतर कराटे वाले सबको लंबा लिटा चुकी थी मैं सबसे शक्तिशाली हूँ स्वामी अब तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो आ जाओ <laughs> कराटे वाली जैसे उनके चरणों में बैठी ये ले प्रेम का तोहफा ठक तभी पुलिस पार्टी भीतर आ गई हवलदार बहादुर तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेरनियों का शिकार <laughs> बल्ले ओए बल्ले छे की छे लिटा दी मगर कैसे ये मैं नहीं बता सकता जी <laughs> कोई गल नहीं आजा के आजा तैनुस्बासी दे दू <laughs> इसने तो अभी फिर हिला दिया इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाय तो आप देख सकते हैं ये कागा की कॉमिक्स है कौवा की बेपनाह कामयाबी के बाद लेखक तिलक की एक पेचीदा विषय पर लिखी गई रोमांचक कहानी मैं चो नहीं हूँ कावा सीरीज में कागा का एक दिलकश कथानक दो दोस्तों की एक अविस्मरणीय कथा जो दो जिस्म एक जान होने का दावा करते थे लेकिन क्या वो ये वाकई ऐसे थे कागा सीरीज का एक बेहतरीन विशेषाँग जिसे आप एक बार पढ़कर फिर दोबारा पढ़ना चाहेंगे तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में 特特几滴白诶。